ये मुंबई की दादा वाली मार्केट आपको याद आ जाएगी। ये देखो ये है फोटो, इसके ऊपर कांटेक्ट करो, इसके ऊपर कॉल करो, आओ यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद में पता करो कि क्या सीन है, कैसा सीन है, ये वाली वीडियो में देख लो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या होता है ना, कुवैत का एक सीन है, यहाँ पे ना आपको हर साल मेडिकल कराना होता है। ऐसा दुबई की तरह, ओमान की तरह नहीं है कि दो साल में एक बार आप जाके मेडिकल कराओ, यहाँ पे ना क्या होता है कि हर साल मेडिकल कराओ भाई, हर साल। और ये सबसे फेमस ब्रिज है भाई कुवैत का, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। एक्चुअली क्या सीन हो गया पता है क्या, मैं सो रहा था यार, एकदम ऐसा गहरी नींद में सो रहा था, मेरे को तो उठने का चांसेस नहीं था कि मैं 8 बजे उठ पाऊंगा। तो क्या हुआ पता है क्या, क्योंकि क्या हुआ, रात को 4:30 मैं सोया हूँ, एज ऑलवेज मैं 3 बजे सो जाता हूँ, मगर 4:30 सोया हूँ भाई, एडिटिंग खत्म करके, अपलोडिंग करके, ओह माय गॉड, मतलब मैं अभी 3-4.5 घंटे ही सोया हूँ, 4 घंटा सो के उठ के मैं जा रहा हूँ हेड ऑफिस के लिए। ये मेरे लिए मतलब समझ रहे हो, अपने आप को प्राउड बोलता हूँ, प्राउड माय सेल्फ कि यार गुड जॉब शशिकांत, तू उठ सकता है भाई, अगर इंसानी दिमाग कुछ भी चाहे वो पूरा कर सकता है। पहले ये बताओ कि तुम्हारा भाई ये जो सूट वूट पहन के जा रहा है कैसा लग रहा है, कमेंट कर देना यार मेरे को। ओके, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बाकी सब तो बढ़िया है, ऊपर वाले की मर्जी, जो होगा अच्छा होगा, मगर उठने वाले का मतलब पता, समझ रहे हो, उठने का एक रीज़न क्या है, एक तो हेड ऑफिस जाना था, दिमाग में ऑलरेडी स्ट्रांगली छप गया है कि भाई जाके साइन करना है, और दूसरा रीज़न क्या है कि मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया, उनको ना इंडिया का दादर का, इंडिया में मतलब मुंबई में दादर का एड्रेस नहीं मिल रहा था, वो पूछने के लिए फ़ोन आया था। तो मैंने बोला क्या हुआ, बोले कि बाबू को ना चेकअप, मतलब मेरा जो भांजा है उसको चेकअप कराने के लिए जाना है। मैंने बोला ठीक है, फिर उठ के देखा, बताया, और उसमें मेरी नींद एकदम अच्छे से खुल गई थी। मैंने बोला कि भाई अब चलो अपने अपने आप को काम पे लगा लेते, तो अब चल रहे हैं आप उन कहाँ पर, मालिया, वापस जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है सब बढ़िया ही होगा। चलते यार, देखो टैक्सी घूम रही है यार, मैं चाहे तो टैक्सी लेके जा सकता हूँ, मगर 2 दिनार पे करना पड़ेगा, और 1/2 घंटे के अंदर पहुँचा देगा, और बस से जाऊँगा थोड़ा 1 घंटा लगेगा, मगर 1/2 दिनार के अंदर पहुँचा देगा, तो डिफरेंस देख रहे हो कितना है। वो कभी इमरजेंसी यूज़ के लिए मैं सोचा कि कभी मेरे को इमरजेंसी में से जाना पड़ेगा ना हेड ऑफिस, तो सीधा टैक्सी लेगा, जब करके पहुँचेगा। तो अभी फ़िलहाल पहुँचते हैं अपने वहाँ पर लोकेशन पर और मिलते हैं भाई के अंदर। देखो कुछ खाया ना पिया, एनर्जी कूट कूट के भरी है, मानना पड़ेगा। सही है मेरे मालिक, शुक्रिया। तो ये 106 है, मेरे को लगा ये जाएगा, तो बोला नहीं भाई। कुछ इंडियन ड्राइवर होते हैं ना, तो वो लोग हेल्प भी करते हैं भाई, वो मेरे को बोल रहा है 102 है, तो यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा है इसमें तो 10, हाँ इधर है, पेन से लिखा हुआ है, नहीं तो फिर 102 है और 999 ही जाता है। अब लेट्स सी, उसका वेट करना पड़ेगा, और वो मेरे को रोक के बोल रहा है भाई 102 है, मतलब ओके भाई थैंक यू सो मच। तो 102A के थ्रू अपन जाएंगे, वी आर वेटिंग फॉर। होते हैं यार कुछ लोग हेल्प करने वाले होते हैं यार, वरना फिर वैसे ही का चलने दो। तो आती है, मैं बैठता हूँ फिर निकलता हूँ यार, बताता हूँ क्या सीन है। तो मेरी तरह जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे काफ़ी लोग यहाँ पे भी है, 3 लोग यहाँ पे, आई थिंक यही होगी। अगर 999 में जाऊँगा ना भाई, 2 घंटे से पहले नहीं पहुँचूँगा, और 102A सीधा वहीं पर पहुँचाएगा। मगर क्या है ये 999, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा इसके अंदर, नहीं जाऊंगा। बैठ गए भाई साहब, बैठ गए। तो ये रहा मेरा 350 फिल्स का टिकट, हाँ हाँ। तो ये रही बिल्डिंग्स, चलो मैं पहुंचता हूँ फिर मिलता हूँ आपको।
भाई फाइनली उतर गया यार। और पता है इधर पे पहुँचते पहुँचते मेरे को मैं 8:30 बजे ऑलमोस्ट चढ़ा हूँ भाई साहब। 1.5 घंटा हो गया इसके अंदर ही बैठे बैठे, यही है। अच्छा हुआ मैं 999 में नहीं आया, और मे भी 2-2.5 घंटा हो जाता क्योंकि ट्रैफिक भी थी। चलो पहुँच गए। और ये सबसे फेमस ब्रिज है भाई कुवैत का, जैसे कि आप लोगों ने देखा है इधर पे। तो फ्राइडे के दिन ऐसा भीड़ लगती है ना, पब्लिक खाली ब्लॉग और वीडियो बनाने के लिए आते हैं कसम से। चलो जल्दी से जाता हूँ, अभी पहले साइन करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि साइन करने मतलब मेरे को साइन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा जो सिविल आईडी है ना वो एक्सपायर होने वाला है यार, समझ रहे हो, उसके लिए उसको रिन्यू करवाना है। मेरा मेडिकल होगा, मगर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो पहले आप उन इस ब्रिज पर चढ़ेंगे। लोग इसका इतना ब्लॉग बनाते पता नहीं इसको फेमस क्यों रखे कर रखे हैं यार। चलो कभी कभी इस पर ना चढ़ने के लिए जगह नहीं होती है भाई, फ्राइडे के दिन खास करके। तो एक्चुअली ना मेरे सामने ना बुरा कबूतर है, और मैं एक स्लोमो शॉट लेने जा रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। हाँ क्या बस वहाँ पे ना पिजॉन थे, तो मैं सोचा कि स्लोमो शॉट लूँ, मैंने नहीं लिया यार, नहीं मतलब मेरी फटने लगी। मैंने जानते भाई कोई कुछ बोल देगा तो अपने को इतना अच्छा खासा दिन है ख़राब ना हो जाए भाई। अभी है ना अपना ड्राइवर मिला था वहाँ पे, मतलब जो अकोमोडेशन का एचआर, मतलब ड्राइवर एचआर है, तो उसको बोला था अगर आप मारबुला जाते रहोगे तो मेरे को भी लेके चलो ना। बोलता है 4-5 बजे तक वेट करो। मैं बोला नहीं, इतने टाइम में तो मैं सो के भी उठ जाऊँगा मैं। तो भाई ये रहा अपना। और एक चीज़ बताओ, जो मेरे को इतना लोग है ना हायरिंग के लिए और उन सब के लिए मैसेज करते हैं, आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये देखो ये है फ़ोटो, इसके ऊपर कांटेक्ट करो, इसके ऊपर कॉल करो, आओ यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद में पता करो कि क्या सीन है, कैसा सीन है, ये वाली वीडियो में देख लो। फाइनली भाई अपना काम खत्म हो गया भाई। इसके अंदर से जो बिल्डर है ना इसके अंदर, भाई पूछो मत क्या बॉडी बना रखा है यार इसने, खतरनाक वाला, ऐसा पूरा मसल वसल निकला हुआ है, आप उनको देख के तो फट गई भाई। ऐसा बॉडी बनाने के लिए कितना डेडिकेशन चाहिए होगा यार, और ऊपर से सही बताऊँ सही है, बढ़िया है। अभी अपन जा रहे हैं अंदर से, ऐसा नीचे से जाएंगे इसके अंदर से, अगर कुछ खाने पीने का मन किया तो देन आई विल ईट माई नाश्ता, क्योंकि पेट हो गया है खाली, सुबह वैसे मुंह उठा के चला आया और खाली मुंह पे पानी मारा है और आ गया ऐसे ही। और अभी चलते हैं इसके अंदर, अगर कुछ मिलता है तो खाने पीने के लिए देन वी विल बाय, अदरवाइज चलते कोई बात नहीं। हाँ मैं क्यों किया साइन, हाँ बता देता हूँ इधर ही, क्योंकि ब्लॉग कहीं ज़्यादा लंबा ना बन जाए यार बकैती करते करते। एक्चुअली क्या होता है ना, कुवैत का एक सीन है, यहाँ पे ना आपको हर साल मेडिकल कराना होता है, ऐसा दुबई की तरह ओमान की तरह नहीं है कि 2 साल में एक बार आप जाके मेडिकल कराओ, यहाँ पे ना क्या होता है कि हर साल मेडिकल कराओ भाई हर साल। और सऊदी में कैसा होता है, हर 6 महीने में तुम्हारा पताका रिलीज होता है, और यहाँ पे ना जो तुम्हारा सिविल आईडी कार्ड है, रेसिडेंटी कार्ड है, यहाँ पे ना हर साल में रिलीज, मतलब नया बनाना पड़ता है, जो उसका वैलिडिटी है ख़त्म होते रहता है। तो फिर भैया आपको आना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, और इसको बोलते कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, हर एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मैं गया, मस्त कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया, और साइन करके 2 मिनट भी नहीं लगा, बोला यहाँ यार यहाँ लाइव गो, ऐसा करता था। एक बंदा था वहाँ पे, है पाकिस्तानी बंदा है, खुल जा भाई। हाँ तो एक बंदा था वहाँ पे, पाकिस्तानी बंदा था, वो बोला कि साइन इट हियर 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 हियर, कुछ पढ़ने भी नहीं दिया क्या साइन कर रहा हूँ क्या नहीं, ऐसे ऐसा साइन करा के बोला जा जा जा। तो बोला ठीक है, तो फिर मैं वहाँ से निकल गया। अब फिलहाल चलते हैं किधर पे, ये छोटा सा मॉल यार, कुछ है नहीं यहाँ पे वैसे तो, बस लोग खड़े हैं बेच रहे हैं, जिसको जो लेना है ले रहा है। अभी यहाँ पे भी एक लड़की फिलिपिनो आएगी, टिकटॉक पे वीडियो बनाएगी, दिस गाय दिस मच काम ही यार, 1KD 1KD ऐसा करके। तो फिलहाल अपन अपने को कुछ नहीं खरीदना है यहाँ पे, बाहर निकलेंगे यहाँ से।
भाई ये रही अपनी केतली में से चाय निकल रही है, 100 फिल्स की है। हाँ गरम गरम चाय, पहले चाय पिएगा फिर निकलेगा यार। क्या होगा केतल पे रखे रखे वो एकदम गरम है, पता है क्या? भाई अब सोचा आया हूँ इतना दूर तो थोड़ा नाश्ता ही करके निकलता हूँ, तो मैं अभी ये बाजू वाले रेस्टोरेंट में आ गया, अभी इडली लेता हूँ, इडली खाऊंगा और इडली खा के निकलूँगा। तो लेट्स आ जाने दो फिर मैं आपको बताता हूँ। आ गया अपना इडली, थैंक यू सो मच। भाई मुझे तो लग रहा है इंडिया वाला टेस्ट अभी खाने के बाद में मज़ा चलेगा, पहले चटनी टेस्ट करूंगा मैं। सही है चटनी, व्हाइट वाली चटनी और सांभर से काम हो जाएगा। मतलब जो इडली है ना इडली की तरह नहीं बना है, इडली का आटा कुछ अलग सा हो गया, बट काम चला हुआ है यार, भूख लगी है, सब सही है। अभी चुपचाप खा लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। मैंने ना 2 चम्मच लिया, दोनों के दोनों मेरे चम्मच टूट गए। ये देखो तो मैडम ने मेरे को लाके ना, वो जो मैडम है ना मेरे को लाके ना स्टील वाला चम्मच दी, बोली तुम इससे ट्राई करो, बिकॉज मैंने जो से जोर दिया ना मेरे वड़ा पे वो टूट गया, पेट भर गया भाई 3 इडली में सॉरी 4 इडली में और एक वड़ा में, मस्त। और चटनी भाई दिल जीत गया भाई, चटनी एक नंबर अपना। तो भाई अभी मैं ऐसी जगह हूँ, लो खाना पीना नाश्ता विश्ता सब हो गया है, और क्या सीन हुआ पता है क्या, 600 फील्स अराउंड, 4 इडली प्लस 1 वड़ा, तो भाई वेट एकदम फुल हो गया है। अब जाके खाली सोना है और रात को ही सीधा मेरे को लगता है कि लंच वन करने का टाइम मिलेगा, फिलहाल तो जो मार्केट में होना भाई सही है। अरे 102 रुक जा, अरे यार निकल गई, मेरे को बस कहाँ से मिलेगा। हाँ जी 102X है, पूछना पड़ेगा ये जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे पानी क्यों बरस रहे हैं भाई, कपड़े गंदे हो रहे हैं भाई। अगर एक चीज़ मेरे आज है ना, आज एक चीज़ है ना पॉजिटिव हुआ मेरे साथ में, अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो और थोड़ा सा आपका लुक डिसेंट दिख रहा है ना तो लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। भाई कुवैत में पानी गिर रही है, बारिश हो रही है कि अच्छा बिल्डिंग वाला पानी गिर रहा है। बस किधर है, हाँ 102X, पूछना पड़ेगा ये जाएगा कि नहीं जाएगा। माँ बोला सी साइड अंकल कौन सा जाएगा, इधर ही आएगा ना सामने, ओके थैंक यू, बोलता है सामने आएगा यार। देख रहे जो हमारे यहाँ पे 50-50 रुपए में बिकता है यहाँ पे ऐसे ही, 2 केडी 3 केडी 1 केडी 2 केडी 3 केडी भाई, मगर कुवैत के दिनार से कंपेयर करोगे ना तो महंगा ही मिलेगा आपको। अभी फिलहाल बारिश वाला सीन हो रखा है, तो अभी सब लोग अंदर आ गए शेल्टर के अंदर, तो वेट करते हैं यहाँ पे बस का। फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई भाई, खोल दे। टिकट ले लिया, टिकट ले लिया, उई उई उई, कितना ब्रेक मार रहा है ये। फाइनली टिकट ले लिया, ये टिकट का कुछ अलग से प्रिंट हुआ है यार, ये अलग प्रिंट टिकट है, बट कोई नहीं 250 में अपन सीधा पहुंच जाएंगे। और क्या होता है पता है क्या, 102 बस आने में ना, 102A बस आने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो मेरे को करीबन 15 मिनट के आसपास वेट करना पड़ा है। तो हाँ अब ठीक है चलते हैं, बाय बाय कुवैत सिटी, मिलेंगे थोड़े टाइम के बाद में।
भाई साहब 12 बज गए यहाँ पर पहुँचते पहुँचते, हालांकि धूप नहीं है और भाई चुम्मा भाई आपको फाइनली पहुँचा दिया। सुबह 8:30 बजे का गया बंदा, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जॉब की एक शिफ्ट करके आ रहा हूँ यार कसम से। अच्छा हुआ इंटरनेट है मोबाइल में, रील्स ब्लॉग इसके बाद में घर पे बात करना सारी चीज़ें जाने में और आने में करके आ गया हूँ। अब खाली मोबाइल फेंकना है, कपड़े पूरे वॉशिंग में डालना है और सीधा टंगरी फैला के सोना है। हाँ फिर सीधा शाम को उठेंगे, फिर देखेंगे रात का क्या सीन है। और खाना पीना एकदम खा लिया हूँ, पेट एकदम फूल है, टेंशन नहीं है अब तो। चलो हु जाने में और आने में भाई हेड ऑफिस हालत ख़राब हो जाती है यार, सीरियसली बता रहा हूँ। तो फिलहाल पहुँच गया हूँ प्यारे से ब्यूटीफुल लोकेशन पर और आज का मौसम एक नंबर है, बड़ा सुहाना है। देखो मैकडोनल्ड का मैनेजर जा रहा है मैकडोनल्ड के कपड़े पहन के, फिलिपिनो है, फिलिपिनो है भाई, भरे पड़े हैं यहाँ पर ये लोग। चलो कोई बात नहीं, मैं भी तो हूँ इधर ही क्या ही बोलूँ। देखो ये नर्स है, नर्स है, हाँ लगी बड़ी क्लिनिक लिखा था उसके यहाँ पे। ओके ना सब, बहुत मिल जाएंगे यार यहाँ पे, बहुत बहुत। माबूला एक ऐसा एरिया है जो गरीबों का बस्ती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारा स्टाफ ही नज़र आएगा। माबूला, मंगा, फिंटास, हवल्ली, सालमिया, ये सारा एरिया ना आपको सब यही सब दिखेगा ये लोगों। और जो जो कुवैती लोग हैं वो लोग भाई पॉश एरिया में रहते हैं जहाँ पर फुल सिक्योरिटी वगैरह, यहाँ पे भी रहते होंगे उतना आइडिया नहीं है अपने को, बट ऑलमोस्ट स्टाफ ज़्यादा है। तो भाई पहुँच गए अपने घर पे, मिलते हैं भाई। सीधा कपड़े यहाँ पे, इतने सारे कपड़े हैं, मतलब पहले धोने में डालेंगे पहली फुर्सत में। और फिलहाल ख़त्म करता हूँ इस ब्लॉग को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी थोड़ा सा मोटिवेशन या फिर थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जी हाँ, यहाँ पे हर साल में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, तो आप आओगे तो आपको करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ अपना कपड़े वॉश करता हूँ, ये सब फेंक के निकालता हूँ। मैं पैंट निकाल दिया था, मतलब डालता हूँ यार वॉशिंग पे, मेरे जॉब वाले कपड़े सारे अंदर है, अब सूख जाएगा कल और कल जाएंगे जॉब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते फिर अगले व्लॉग में। अब तुम भी मजे करो, मैं चला आराम करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ क्या करना है पता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जो भी अच्छा लगे कर देना। मिलते फिर अगले व्लॉग में।